गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स किस लेसन के, लेसन माय चाइल्डहुड। कौन सी क्लास? क्लास 9th, बुक है बी हाइव। जो माय चाइल्डहुड लेसन है उसके क्वेश्चंस आंसर दो भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दूसरे भाग में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है, ये इसका पार्ट वन है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट टू में हैं, इसलिए पार्ट वन देखने के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट टू इस लेसन का, मतलब माई चाइल्डहुड का अवश्य ही देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? वेयर का मतलब होता है कहाँ, बाज माने था, हाउस माने होता है घर। अब देखेंगे जो अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम में अपास्ट्रॉफी यश लगा है। जब कभी भी किसी नाउन में अपास्ट्रॉफी यश लगता है तो उसका अर्थ का के की निकलता है। अब्दुल कलाम्स इसका मतलब होगा अब्दुल कलाम का, हाउस माने घर। अब्दुल कलाम के घर, अब्दुल कलाम का घर वेयर माने था। वेयर माने कहाँ, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। हिंदी भी लिखी हुई है, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। आंसर देखते हैं, अब्दुल कलाम्स हाउस बाज। देखो इतना क्वेश्चन में ही मिलेगा, अब्दुल कलाम्स हाउस बाज जो पहले था वो यहाँ पर आ, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब पहले मिलती है सब्जेक्ट से, लेकिन जब सेंटेंस का हम उत्तर देते, आंसर हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में देना पड़ता है और अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता। अब्दुल कलाम्स हाउस जी सब्जेक्ट है, अब्दुल कलाम का घर बाज माने था। ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट, मास्क्यू माने मस्जिद, स्ट्रीट माने गली, मस्जिद की गली में, इन रामेश्वरम, अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद की गली में था। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट डू यू थिंक, भाट माने क्या, व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हो। दीनमणि इज द नेम ऑफ, दीनमणि किसका नाम है, दीनमणि इज द नेम ऑफ, आप क्या सोचते हो कि दीनमणि किसका नाम है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, फॉर योर आंसर माने अपने उत्तर के लिए, गिव अ रीजन कारण दीजिए। आपके अनुसार दीनमणि किसका नाम है, अपने उत्तर के लिए कोई कारण दीजिए। हिंदी भी साथ में क्वेश्चन की लिखी हुई है और आंसर की भी। दीनमणि इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर, दीनमणि एक समाचार पत्र का नाम है। बिकॉज, क्योंकि अब्दुल कलाम यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू लिखा है, यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना। यूज्ड टू हमारी उस आदत को बताता है जो हम में पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो अब्दुल कलाम यूज्ड टू ट्रेस, ट्रेस करते थे, है ना, उसमें देखते थे, क्या देखते थे, द हेडलाइंस, हेडलाइंस माने मुख्य मुख्य भाग, सुर्खियाँ बोलती हैं। ऑफ दिस न्यूज पेपर, इस समाचार पत्र की सुर्खियों को अब्दुल कलाम देखा करते थे। फॉर न्यूज अबाउट दी वार, उस समय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वार सेकंड की जो न्यूज हैं, खबरें हैं, दीनमणि समाचार पत्र में अब्दुल कलाम देखा करते थे। दीनमणि इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर बिकॉज अब्दुल कलाम यूज टू ट्रेस द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज पेपर फॉर न्यूज अबाउट द वार। दीनमणि एक अखबार का नाम है क्योंकि अब्दुल कलाम युद्ध के बारे में खबरों के लिए इस अखबार की सुर्खियों का पता लगाते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री। हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, फ्रेंड माने दोस्त, हु माने कौन। अब देखो यहाँ फिर से आ गया अब्दुल कलाम्स, मतलब अब्दुल कलाम के स्कूल दोस्त कौन कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, लेटर माने बाद में, बिकम माने बनना, बिकम माने होना, बाद में वे क्या बने, क्योंकि पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हिंदी में हमेशा या ए ई निकलता है। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, बाद में वे क्या बने, ये निकल गया लास्ट में बने। आंसर देखते हैं, पहले हिंदी देख लीजिए उसके, अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, वे बाद में क्या बने। आंसर है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश, तीन दोस्तों के नाम आ गए, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड प्रकाश, शिव प्रकाश है।
अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री बिकेम रामानंद शास्त्री बने द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुरोहित ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। ध्यान देंगे यहाँ रामेश्वरम में लास्ट में एम लिखना है, जो कि एन लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे। रामेश्वरम टेम्पल, रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन टुक द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ले लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो शिव प्रकाशन है वे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए फॉर दी साउथर्न रेलवे, जो साउथ दक्षिण रेलवे है उसके वे एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर शिव प्रकाशन बने। तो तीन दोस्त थे, रामानंद शास्त्री क्या बने, रामेश्वरम मंदिर के पुजारी, अरविंदन क्या बने, अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस ले लिया, शिव प्रकाशन क्या बने, शिव प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने दक्षिणी रेलवे में। हिंदी भी देख लीजिए, रामानंद शास्त्री अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन ने परिवहन व्यवस्था संभाल ली। शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान के ठेकेदार बन गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। फर्स्ट माने पहली, वेज माने मजदूरी, पहली मजदूरी अब्दुल कलाम ने अर्न माने कमाना, अर्जित करना। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे अर्जित की, हाउ माने कैसे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो यह ई लास्ट में निकालना है। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे अर्जित की, हिंदी में लिखी हुई है, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कैसे अर्जित की। आंसर, अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। अर्न का अर्नड क्या हो गया, क्योंकि डिड बताता है पास्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जो कि अब हम उत्तर लिखेंगे तो भर का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कमाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूट करना माने का माने बांट देना, विभाजित करना, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग करके समाचार पत्र बांट करके अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मंजूरी अर्जित की। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मंजूरी समाचार पत्र वितरित करके अर्जित की। क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, या उन्होंने इसके पहले, बिफोर दैट माने इसके पहले, एनी मनी माने कोई धन, अर्न माने कमाया, क्या उन्होंने इसके पहले कोई धन कमाया, इन वाट वे किस तरीके से कमाया। आंसर देखिए, हिंदी लिखी है इसकी, क्या उसने इसके पहले कोई पैसा कमाया था और कमाया था तो किस तरह से। आंसर है यस, हाँ, ही हैड अर्नड सम मनी बिफोर दैट, हाँ उन्होंने इसके पहले कुछ धन कमाया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैड ही अर्नड एनी मनी, यहाँ पर एनी था, क्यों, बात इंट्रोगेटिव था, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें एनी आएगा। अब हम उत्तर दे रहे हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बन गया, तो अफर्मेटिव में हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, अफर्मेटिव में हम सम का प्रयोग करते हैं। यस, हाँ, ही हैड अर्नड सम मनी बिफोर दैट, हाँ उन्होंने इसके पहले कुछ धन कमाया, बाय कलेक्टिंग टेमेरिंड सीड्स। कलेक्ट करना माने इकट्ठा करना, टेमेरिंड माने इमली, सीड माने बीज, हाँ उन्होंने इसके पहले कुछ धन कमाया इमली के बीजों को इकट्ठा करके, एंड सेलिंग और बेच करके, दरमियान उन्हें उन्हें बेच के, टू ए प्रोविजन स्टोर, एक प्रोविजन स्टोर में उनको बेच करके उन्होंने कुछ धन कमाया। देख लेते हैं, हाँ इससे पहले उन्होंने इमली के बीज इकट्ठा करके उन्हें एक प्रोविजन स्टोर को बेच कर कुछ पैसे कमाए थे। तो ये था माई चाइल्डहुड लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर। अब यदि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए हैं तो इसी लेसन का, माई चाइल्डहुड का, आप देखिए पार्ट 2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।